हमें ये समझने की जरूरत है कोई भी रिलेशनशिप ब्रेकअप कैसे होता है। मैरिज में तो आप देखते ही कुछ नहीं, अरेंज मैरिज है तो तीन ही चीजें देखते हैं, एजुकेशन। चलते हैं इस जर्नी पे, और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप जुड़े रहेंगे। चलते हैं, तो पहला हमें यह समझने की जरूरत है कोई भी रिलेशनशिप ब्रेकअप कैसे होता है, तो उसमें तीन बड़े पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर बिहेवियर के अंदर जो इंपैक्ट डालता है, इमोशनल ब्रेकअप, या हम कह सकते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अट्रैक्शन इशू। ये भी एक इशू है, कहते हैं ना दूसरे की थाली में खाना और दूसरे की बीवी बहुत अच्छी लगती है, तो ये कहां से बनी है कहावतें? ये अट्रैक्शन इशू है। क्या अट्रैक्शन इशू है? मान लो आप रिलेशनशिप में हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, तो आपके क्रश हो जाते हैं आप उसके, क्योंकि आप एक घंटा दो घंटा उससे बात कर रहे हो, आप बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हो उससे, जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गया, आप बड़ी जल्दी जल्दी डेटिंग करते हो, और क्योंकि स्पैन ऑफ टाइम कम है और आप जल्दी से रिलेशनशिप में चले जाते हो। मैरिज में तो आप देखते ही कुछ नहीं, अरेंज मैरिज है तो तीन ही चीजें देखते हैं, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, और तीसरा क्या देखते हैं? तीसरा हम देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड, इमोशन, एजुकेशनल एंड अपीयरेंस, लुकिंग, गुड लुकिंग, देखने में अच्छा लगना चाहिए आपको, अपीयरेंस, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशन। तो हम अरेंज मैरिज में तो इन तीन चीजों के अलावा कुछ देखते ही नहीं, शादी हो जाती, अब उसमें इश्यू क्या हो गया? बाद में आपको पता लगता है कि ढोल के और दूर के ढोल सुहावने, है ना कहावत, भाई ये जो मैंने सोचा था वैसा तो निकला नहीं या निकली नहीं, तो अट्रैक्शन इशू हो जाता है। आप उसकी जो कमियां हैं उनको सुजेस्ट करने की बजाय, उनको एक दूसरे को गाइड करने की बजाय, आप अपनी कमियों को उससे सीखने के बजाय और उसकी कमियों को खुद बताने की बजाय क्या करते हैं, कहीं और ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, तो हमें अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्शन होने लगते हैं, हम कहीं और अट्रैक्ट होने लगते हैं और रिलेशनशिप स्टेक्स पे जाने लग जाता है। तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम दोनों में जो अट्रैक्शन है उसमें इश्यूज क्या है और उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगेन 60-40 का फार्मूला आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट पे, अनरियलिस्टिक सोशल बिहेवियर। जो सोशल बिहेवियर है ना, ये बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि ये कितना मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है, इतना मैटर करता है कि रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है। तो अनरियलिस्टिक सोशल बिहेवियर मींस, आप सुबह सुबह उठ के बाबा जी के पास पहुंच गए, उनकी साफ सफाई कर रहे हो। आजकल बाबे वैसे भी हिंदुस्तान में बहुत हैं, ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ बाबा मेरे से नाराज हो जाएं, बट मेरा काम है साइकोलॉजी में लोगों को सच्चाई से अवगत कराना। तो अब वो सुबह सुबह वहां पहुंच गए, वहां झाड़ू मार रहे हैं, बट आपके बच्चे परेशान हैं, आपकी वाइफ परेशान है, या लिव इन रिलेशनशिप में है, आप फोर्स कर रहे हैं दूसरे काउंटर पार्ट को, नहीं उसी बाबा पे जाना है, नहीं उसको ऐसे ही नमस्कार करना है, और वो कंफर्टेबल नहीं, तो हमें एक तो फोर्सिंग नहीं करनी, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब आपके 10 दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज भी होंगी, आप उन फैमिलीज को भी जानते होंगे, लेकिन आपका काउंटर पार्ट एक को भी नहीं जानता उनमें से। वो आप कभी बताया गया था वो फलाने के पास, वो जो फलाना है ना, वो मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ ऐसी है, वो वैसे है, और दूसरा सुन रहा है बैठ के, अरे भाई ये कौन है, मुझे तो मालूम ही नहीं, तो उसके तो सपनों में है, वो अजम्पशन में है उसके दोस्त, वो नहीं होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी 100% होनी चाहिए। अगर आपके 10 दोस्त हैं, उनकी कोई फैमिलीज हैं या विदाउट फैमिलीज हैं, तो आपको दूसरे काउंटर पार्ट को भी पता होना चाहिए कि ये 10 दोस्त हैं, इनकी फैमिलीज के साथ रिलेशन है, इसकी सिंगल के साथ रिलेशन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से दोनों के, दूसरे लड़की का भी हो सकता है, वो भी आपको ऐसे ही ट्रांसपेरेंटली बताएगी, तभी रिलेशनशिप चलेगा, नहीं तो रिलेशनशिप में गैप आएगा, और जब गैप आएगा तो इमोशनल बिहेवियर में डिटैचमेंट होगी और आप दूर हो जाओगे। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, फोकस ऑन चेंजिंग द हैबिट्स।
अब क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज मिल जाती है ना, तो हम समझते हैं वो तो हमारी अपनी होगी और क्या मिल सकता है। ये हमारी नेचुरल हैबिट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दूसरे की हैबिट सुधारने के बजाय सजेशंस पे काम करना चाहिए। क्या क्या हैबिट हो सकती है, मैं तीन कॉमन हैबिट दे रहा हूं, ड्रेस, स्पीकिंग एंड कंपनी। ड्रेस, अब मान लो आपका जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आप आए हैं वो स्लीवलेस पहनती है, आपने पहले तो कुछ नहीं बोला डर के मारे, क्योंकि आपको तो रिलेशनशिप बनाना था, अब रिलेशनशिप बन गया है, नहीं नहीं स्लीवलेस मत पहना करो यार। और अगर कोई और स्लीवलेस पहने तो आप बड़े खुश होकर देखते हो उसे, इट शुड नॉट हैपन। हाँ, ऊपर से पीले रंग का मत पहनो यार, काला मत पहनो, नीला मत पहनो, क्यों भाई, उसका इंटरेस्ट है पहनने दो। या रिवर्स में तुम टी शर्ट मत पहना करो, तुम शर्ट मत पहना करो, तुम जींस मत पहना करो, दिस इज नॉट ए करेक्ट सेंस। अब हम आते हैं कि हम बोले नहीं, आप अपना वैल्यू ऐड दे सकते हो, आप बोल सकते हो आप नीले सूट में जाना अच्छा मुझे, आप मतलब अपना बता रहे हो उसे, उस पर फोर्स नहीं कर रहे, बट आप हमेशा कंप्रेस पॉलिसी पे काम करते हो, सप्रेस पॉलिसी पे काम करते हो कि दबा के रखो, विच शुड नॉट हैपन, फ्री हैंड, बिल्कुल फ्री हैंड। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया स्पीकिंग। अब क्या है कि जो कभी बात हम प्रोफेशनल बोलते हैं तो हम बड़ा प्रोफेशनली बात करते हैं, तो मैंने पिछला पॉइंट आपको बता दिया था फ्रेंड्स वाला, अगर वो आपके काउंटर पार्ट फ्रेंड्स को संभालते होंगे, पहचानते होंगे, तो उनको पता होगा कि कौन आपका पर्सनल फ्रेंड है, कौन आपका ऑफिशियल फ्रेंड है। अब ऑफिशियल फ्रेंड्स के साथ हम अलग ढंग से बात करते हैं, हम बड़ा फॉर्मल वे में बात करते हैं, और जो पर्सनल लोग हैं उनके साथ हम अलग ढंग से बात करते हैं। हो सकता है आप पर्सनली एक आदमी से बात कर रहे हो, वो थोड़ा सा रूड बिहेवियर लग रहा हो आपके काउंटर पार्ट को, बट आप तो रोज ही ऐसे ही बात करते हो उससे। जैसे मैं बताता हूँ, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा भी वैसे ही बहुत खड़ी लैंग्वेज, मतलब वो प्यार से भी बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि पत्थर मार रहे हैं। तो अगर वो दो हरियाणा वाले आपस में बात कर रहे हैं और जो थर्ड पर्सन है वो बॉम्बे का है मान लो, तो उसके तो वैसे ही होश गुम हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं भाई, लड़ाई हो जाएगी इनमें तो आपस में। तो हमें जो ट्रांसपेरेंसी है ना स्पीकिंग की, उसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि हमारे तो रिलेशनशिप बन चुके हैं, लेकिन हमें ये पता होगा कि पर्सनल है या ऑफिशियल है, तो पर्सनल में मत घुसो, लेट हिम टॉक इन हिज फैशन, जैसे उसको अपने बात करनी है। ये नहीं तो अपनी माँ से नहीं बात कर, तो अपने बाप से मत बात कर, तो अपने भाई से, लेट हिम स्पीक, जो स्पीक करना करने दो, आपको क्या जा रहा हो, पहले भी तो स्पीक कर रहा था या कर रही थी जब आप नहीं थे उसकी जिंदगी में, क्लियर है। और आगे हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, कंपनी। अब हम कंपनी पे भी ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना उस दिन उसने ही पिलाई थी, तो मेरा यकीन मानना कोई किसी को ना पिलाता है ना ही कोई किसी को इस स्टेज में पुश करता है, वो छोटी स्टेज होती है, टीनेज है, जहां आपको बच्चों को बड़ा जिसे कहते हैं ना फूलों को चारों तरफ से ढक के रखना पड़ता है, तो बच्चे फूल होते हैं, लेकिन अब तो बड़े वृक्ष बन गए हो, गाय भैंस क्या बिगाड़ लेगी आप। तो उसकी कंपनी पहले भी थी जब वो आपको नहीं जानता था, उन्हीं लोगों के साथ था। अगेन आप अपने सजेशन दे सकते हो कि देखो इस आदमी के साथ आप रह रहे हो, इस वजह से आपकी ग्रोथ फैक्टर में इशू आ रहे होंगे। अब मानना नहीं मानना, उसको रोज डंडा मत दो, नहीं नहीं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं नहीं तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसा बिहेवियर करेंगे, चेंजिंग द हैबिट करेंगे, तो क्या होने वाला है, डिटैचमेंट, और इमोशनल डिटैचमेंट के बाद इमोशनल ब्रेकअप। तो ऐसा मत करिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। अब क्या है, ये जो पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इतने सारे, इनको जब आप क्लब करोगे तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है जो थिन रेजर वायर है डिप्रेशन और डिटैचमेंट के बीच, विच इज कॉल्ड इग्नोरिंग बिहेवियर। आप क्या है, आप सजेशन देना बंद कर देते हो अपने काउंटर पार्ट, कुछ नहीं बताते, गलत कर रहा है करने दो, मैं क्या करूं वो सुनता ही नहीं मेरी, तो ऐसा क्यों करते हैं। आप लास्ट स्टेज पे हो उस रिलेशनशिप को बचाने की,
आप चाहते हो चलता रहे। मैरिज है तो हम हमारे यहाँ थोड़ा सा टिपिकल मैरिज का प्रोसेस है, बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, तो आदमी अवॉइड करता कि नहीं जाना चाहिए। और अगर लिव इन रिलेशनशिप है तो भी आपको अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ जो ईगो है वो हर्ट होती है कि मैं तो, मेरा तो रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। तो आप सोचते हो अब चल जाए यार, मैं इसके साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, अब चलना चाहिए। तो आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको दौड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो इसको आप इग्नोरिंग बिहेवियर में ले लेते हो, आप कोई सजेशन नहीं दोगे। अगर वो गलत बात भी बोल रहा है जो आपको लग रहा है कि उसको नहीं बोलनी चाहिए, आप उसको इग्नोर कर दोगे और आप कोशिश करोगे वो चला लो। लेकिन अगर वो चलने वाला प्रोसेस हिल गया तो आप इमिडिएटली डिप्रेसिव मोमेंट्स में कन्वर्ट हो जाओगे। और डिप्रेशन में आ जाके आप क्या करते हो, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके लिए कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई आपके एक्सपीरियंसेस हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।